गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। आपको 20वें टर्म की वैल्यू बतानी है, कहां से? लास्ट टर्म से। ये बिल्कुल और क्वेश्चनों से हट के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आपको 20 टर्म तो फाइंड करना है, लेकिन लास्ट टर्म से फाइंड करना है सीरीज का। तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, तो क्या है सीरीज? गिवन सीरीज आपकी 3, 8, 13 एंड 253 है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले में जो है कॉमन डिफरेंस 5 चल रहा है। 3 में 5 जोड़िए तो 8, 8 में 5 जोड़िए तो 13, कॉमन डिफरेंस 5 चल रहा है। तो अगर हम इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखें, यानी क्या लिख सकते हैं, 253 में से 5 सबट्रैक्ट करके इससे पहले वाला टर्म 248 हमने लिख दिया, और एंड सो ऑन करके ये बाकी 3 टर्म हमने लिख दिए। यानी इस सीरीज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब हम जो है इसका 20वां टर्म फाइंड कर देंगे। यहाँ पर आपका जो है पहला टर्म a इज इक्वल क्या देख रहे हैं, 253, और कॉमन डिफरेंस आप जानते ही हैं कि a2 माइनस a1 होता है। 248 में से 253 सबट्रैक्ट करने पर माइनस 5 मिल गया। अब हम इसका 20 टर्म का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू t के फार्मूले में हमने वैल्यू रखा। a का वैल्यू 253, n की वैल्यू 20 और d की वैल्यू माइनस 5। इसको सॉल्व करने पर 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, और 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू 158 मिलेगा। यदि आपका लास्ट टर्म से 20वें टर्म की वैल्यू 158 मिलेगी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखें, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। आपको दिया क्या गया है कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, और 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तो आप पहले 3 टर्म बताइए जो दिया गया है, उसको हमने लिख दिया कि a4 प्लस a8 की वैल्यू 24, और अब इसका फार्मूला जानते हैं, 4th टर्म का फार्मूला a प्लस 3d, 8th टर्म का फार्मूला a प्लस 7d, किसके बराबर लिख दिया, 24 के बराबर। और फिर इसके बाद दोनों में जो है a और a ऐड होने पर 2a, 3d, 7d ऐड होने पर 10d, यानी 2a प्लस 10d इज इक्वल 24 मिल गया। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस 5d इज इक्वल 12 मिल गया, और ये रिलेशन आपको a और d में प्राप्त हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, और 6th टर्म का फार्मूला a प्लस 5d, 10th टर्म का फार्मूला a प्लस 9d, इसको हमने 44 के बराबर लिखा, और मिल क्या रहा है, 2a प्लस 14d इज इक्वल 44। यहाँ पर भी हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो a प्लस 7d इज इक्वल 22 मिल गया। ये आपको दूसरा रिलेशन a और d में मिल गया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, सबट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, -2d इज इक्वल -10, 12 में से 22 सबट्रैक्ट होगा -10, और दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इज इक्वल 10/2, यानी d इज इक्वल 5, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल 5 मिलने पर d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, यहाँ पर a प्लस 5d इज इक्वल 12 में रख दीजिए d की वैल्यू, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -13। और जैसे ही आपको a और d की वैल्यू मिली, वैसे आप इसके तीनों टर्मों को बता सकते हैं। पहला टर्म इसका -13 a होता है, दूसरा टर्म a प्लस d होता है, तो -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, और तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है तो -13 + 2 × 5 यानी -3 हो जाएगा। इसके फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड किया गया, और यही आपको निकालना था, और इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे।
और इसका अगला क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। दैट्स ऑल।